इसका इशारा मतलब जिसके लिए पर्सनल मतलब स्मृति ईरानी को किया गया ना। अरे उनके क्यों करेंगे यार, जवाब देने के लिए बात करते उल्टी तो मैं क्या पत्रकार आदमी क्यों क्यों करेगा राहुल गांधी, स्मृति ईरानी क्यों करेगा, वो अपोजिशन की विपक्ष। अरे लेटर दिया उसको भी लेटर देखा जाएगा, तुम क्या बात करते हो। राहुल गांधी स्मृति को क्यों करेगा, वो उनकी अपोजिट। अरे सुनो मिस्टर रिपोर्टर सुनिए, स्मृति ईरानी राहुल से लड़ी चुनाव, राहुल को हराया, राहुल गांधी बैनार से जीते, स्मृति ने हराया। स्मृति उनकी पुरानी सीट, मैत्रक सीट, जन्मांतर की सीट अमेठी से स्मृति ईरानी बनी, कोई नहीं क्यों प्यार बांटेगा। राहुल गांधी स्मृति ईरानी की तरफ ना कुछ करेगा ना इस जीवन भर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। राज होता है, गहरा राज होता है, जो समझने वाला समझ पाता है किसके लिए किया, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया। वहाँ अगर कोई किसी को किसी से इशारा करता है तो उसे फ्लाइंग किस और ये शब्द ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, ये नाम गलत देना है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। किसी को ऐसे किया ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। अब फ्लाइंग किस कैसा होता है, देखो ये किया, ये सब तक पहुंचाया, उड़ाया हवा में, वो कहते हैं फ्लाइंग किस तब तक पहुंचा। इस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला, जिस तरीके से स्मृति ईरानी उन पर आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने जो है अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र तरीके से जो है फ्लाइंग किस की है। टिप्पणी तो क्या थी, वो तो जल्दबाजी में भी थे, उन्हें बोले और उसके बाद उदयपुर राजस्थान में जाना था, वहाँ उसमें रैली थी उनकी, वहाँ भी पहुँचना था और लोगों की मांग भी थी, डिमांड भी थी कि राहुल राजस्थान नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं जा रहे हैं, राजस्थान जाना चाहिए, मणिपुर गए तो राजस्थान क्यों नहीं गए, लोगों की इच्छा थी, मांग थी, तो उसी आधार पर उन्हें जाना भी था, तो गए हैं बांसवाड़ा, तो उन्हें जाना था जल्दबाजी में। लेकिन फ्लाइंग किसका नहीं समझ में आता, फ्लाइंग किस क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। और राहुल गांधी ऐसे तो नहीं है कि कोई फ्लाइंग किस या किसी गलत इंटेंशन, गलत धारणा, गलत अवधारणा से किया गया, गलत भावना से किया गया। और फ्लाइंग किस सबकी तरफ से होते ही नहीं, वो तो किसी एक ही बंदे के लिए होता है, किसी के लिए अगर किया भी, जिसके लिए भीड़ में है तो किसी के लिए किया तो वही समझने वाला समझ पाता है। ये बड़ा राज होता है, गहरा राज होता है, जो समझने वाला समझ पाता है किसके लिए किया, किसने किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, क्यों किया, ये वहाँ पे बात आती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई अमर्यादित व्यवहार, जिसकी माँ वहाँ बैठी हो, समझिए सुनिए आप बात साहब, जो मणिपुर की बात कर रहा, जो भारत माता की बात कर रहा, जो हिंदुस्तान की बात कर रहा, जिसकी माँ वहाँ बैठी है और बोल रहा मेरी एक माँ यहाँ है और एक माँ मणिपुर में है, उस माहौल में इस तरह की बात गले नहीं उतरती है। अब उनकी शिकायत क्या दी है क्या नहीं दी वो देखेंगे समझेंगे तो उसके बाद। लेकिन कुछ कांग्रेसी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को अपना इतिहास देखना चाहिए पुराना। अच्छा अच्छा, क्या इतिहास, अब उनका पारिवारिक अपना जीवन। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो है, बात सही है, हाँ ये भी बात सही है। कुछ लोग इतिहास अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं, उसमें गलत क्या कह रहे हैं। जिसके जिसका घर खुद शीशे का होता है तो दूसरों के पे पत्थर थोड़ी फेंकता है। उन पर भी ऐसा आरोप है कि सहेली के पति को अपना उसमें स्वीकार किया उन्होंने, तो लोग इतिहास इस बात की, इतिहास की बात कह रहे हैं, कह देते हैं, कोई बात नहीं, कह तो देते हैं। इतिहास कब किसका पीछा छोड़ता है, इतिहास तो रहता है, इतिहास तो पीछा छोड़ता नहीं है, इतिहास तो रहता है, इतिहास होता है, इतिहास को मानना भी पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार भी करना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है वो कह रहे हैं मिसाइलों वाले, मिसाइलें छोड़ने वाले को आज फ्लाइंग किससे डर लग रहा है। अब उन्हें किस लिए डर लग रहा है, मिसाइलें छोड़ने वाली बात तो मोहब्बत बांटने की, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत बांट रहे हैं। और मोहब्बत अगर ना होती, सच बताऊं, राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति नहीं था हजारों किलोमीटर पैदल चल सके। चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसके मोतीलाल नेहरू प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, आनंद भवन राजनीति का केंद्र रहा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, और वो अगर प्यार ना होता तो उसने, उन्होंने कहा भी घुटनों का दर्द मेरा था, और वास्तव में वो कहां इतना चले, और प्यार ही था, आम जनता का प्यार था, गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम का प्यार था, जनता का प्यार था, जिसकी वजह से वो बंदा इतना पैदल चल पाया और पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच पाया। प्यार तो था और प्यार तो मिला है और प्यार दिया भी है उन्होंने, कितने लोगों के घरों में सेल्फी के माध्यम से, संसद में जाके मोहब्बत बांटेंगे इस तरीके से जो फ्लाइंग किस कर रहे हैं। नहीं नहीं, फ्लाइंग किस का शब्द ही गलत बोल रहे हो आप,
अगर कोई किसी को किसी से इशारा करता है तो उसे फ्लाइंग किश और ये शब्द ना दो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। ये नाम गलत देना है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो ये प्यार क्या कहलाता है? प्यार तो प्यार ही रहता है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित बहन है, कोई ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो। बताओ ना कौन सा प्यार होता है? कोई रहमत दादा प्रेम का मत तोड़े चटका है, तोड़े से फिर ना जुड़े शिकायत पड़ जाए। शिकायत की गई है, प्यार पसंद नहीं आ रहा है। वो तो वीडियो वगैरह वहाँ होगी, देखी जाएंगी क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, किसने। अगर वीडियो आती है सामने, आप मानते हैं कि गलत है फिर वो? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसे सबके लिए तो पब्लिक में किया नहीं। देखो सबको उड़ाने का मतलब होता है किसी को ऐसे किया, ये तो किसी एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है। अब फ्लाइंग किस कैसा होता है, देखो ये किया, ये सब तक पहुंचाया, उड़ाया हवा में, वो कहते हैं फ्लाइंग किस तब तक पहुंचा। एक तो एक जिसका इशारा मतलब जिसके लिए पर्सनल मतलब स्मृति ईरानी को किया गया ना। अरे उनके क्यों करेंगे यार, जवाब देने के लिए बात करते उल्टी तो मैं क्या पत्रकार आदमी क्यों क्यों करेगा? राहुल गांधी स्मृति ईरानी क्यों करेगा? अब अपोजिशन की विपक्ष की, अरे लेटर दिया उसको भी लेटर देखा जाएगा, तुम क्या बात करते हो? राहुल गांधी स्मृति को क्यों करेगा? वो उनकी अपोजिट। अरे सुनो मिस्टर रिपोर्टर सुनिए, स्मृति ईरानी राहुल से लड़ी चुनाव, राहुल को हराया, राहुल गांधी बैनार से जीते, स्मृति ने हराया। स्मृति उनकी पुरानी सीट, पैतृक सीट, जन्म जन्म की जन्मांतर की सीट अमेठी से स्मृति ईरानी बनी। वो इन्हें क्यों प्यार बांटेगा? वो उनके पास क्यों जाएगा? वो उनकी तरफ इशारा क्यों करेगा? वो उनसे बात क्यों करेगा? लिख रही है लेटर में, अध्यक्ष को शिकायत की गई है। देखो साहब वो क्या कह रहे हैं लेटर मैंने देखा नहीं, वो क्या उनकी इच्छा है, वो क्या चाह रहे हैं अलग बात, ठीक है। लेकिन जहां तक उनका भाषण सुना मैंने, भाषण सीधे बोलने लगी वो, उस समय ना कोई फ्लाइंग किस की बात थी ना कोई बात थी। अगर वो होती तो जवाब देती। अगर उन्होंने घुटनों की बात की, अगर उन्होंने मणिपुर की बात की, अगर उन्होंने 84 के दंगों की बात की, अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों की हत्या की बात की, जब सबकी बात की तो वहां पर ये भी बात होती। लेकिन इतना याद रखिए मिस्टर रिपोर्टर साहब, राहुल गांधी स्मृति ईरानी की तरफ ना कुछ करेगा ना इस जीवन भर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि राहुल गांधी को वो दर्द मिला है स्मृति ईरानी से अमेठी से चुनाव हार कर, उसको वो कभी सोच भी नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। तो आरोप झूठे हैं? मैं क्या कहूँ इस पर, जांच होगी, जांच समिति जांच करेगी, जांच करेगी, जो चीज आएगी सामने आएगी, जो सब कुछ सामने आएगा उसमें क्या बात। लेकिन स्मृति ईरानी पे जो स्वेति मालीवाल है वो कह रही है कि जो आपके ब्रजभूषण है पीछे बैठे हैं महिलाओं के साथ, किस तरह का उन्होंने क्या टच किया, उस तरह का आरोप लगा रही हूँ। अब देखो सबकी अलग अलग कहानी है, क्या करूँ, उनकी भी अपनी कहानी है। अब उनकी कहानी पे जाओगे, महिला आयोग के चेयरपर्सन कहानी पे जाओगे तो भी कुछ आपको अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ भी गलत ही मिलेगा। तो इस तरह कहते ना, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। ये सब बाहरी दिखावा है, अंदर सबके जहनों में अंधेरे हैं और कहीं कुछ आप बात नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है। ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल, बोटल के मार्के अलग अलग हैं, ऐसे लोग अलग अलग हैं, सब पर यही बात। बीजेपी के तमाम सांसद तो कह रही हैं कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस किया गया, उन्होंने शिकायत में हस्ताक्षर किए हैं। अब शिकायत में किए हैं उस समय, देखो ये सब बाद में बनाया हुआ प्रोग्राम, अगर उस समय लगता फिर मैं कहूँगा वही, उसी समय राहुल को क्यों नहीं पकड़ लिया गया, क्या किया तुमने, क्यों किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, तुरंत तो थे ना वहीं, तो तुरंत कहना चाहिए, तुरंत चले गए वो, तुरंत फ्लाइंग किस करके चाहो नहीं, वो निकल गए, निकल लिए। यहाँ मेज पर हाथ थपथपाया जाता है, गेट से निकलते हैं, कहीं ऊपर से नहीं चले गए, तो वहीं पर तुरंत कहना चाहिए। इसका मतलब बाद में देखा गया, बाद में प्लान बनाया गया, जो सब जो चीज गलत है उसको तो गलत बोलिए ना सर। गलत क्या गलत है, जो अगर उन्होंने क्या संसद में वरिष्ठ नेता है, कभी आंख मार देते हैं, कभी फ्लाइंग किस कर देते हैं। अब तो मोदी जी को गले मिल जाते हैं, फिर क्या कहोगे, क्या कहोगे उसे आप, वो गले लिख जाते हैं जाके मोदी जी के, क्या कहो, मोदी जी ने तो नहीं इतराज किया कि हमारा विपक्ष में रहने वाला पता नहीं हमें क्या कर गया, इस तरह से वो करेंगे। अरे वो क्यों करेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं किया होगा। वो मोदी जी के गले मिले, मोदी जी ने तो नहीं शिकायत करी हमारे परमाणु बम लगा गए, ये कुछ स्पाई कैमरा लगा गए, कुछ यहाँ पे वो लगा गए हमारे यहाँ, महिलाओं की तरफ तो स्वाभाविक देता ना सर इस तरह। तो क्यों करेंगे, वो उनकी भी बहन है, उनकी भी माँ है, वो भी पूरे देश में यात्रा पे निकले हैं,
सब चाहिए, सब हुआ है ना, ऐसी क्या बात। क्या सर आपको लग रहा है कि सदन में स्मृति ईरानी ने बॉलीवुड की भाषा का इस्तेमाल किया है फ्लाइंग किस नया सीरीज बनाने की कोशिश की, सीरियल टाइप? नहीं नहीं, देखिए वो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, राहुल गांधी को हराया अमेठी से, फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई हैं, सीरियल की दुनिया से जुड़ी हुई हैं, राजनीति में हैं, और राहुल गांधी के बाद ठीक उनका ही नंबर था बोलने का, ठीक है। उन्होंने बोला उसमें? उन्होंने बोला, शुरू में नहीं बोला, जब शुरुआत की तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, मैंने भी सुना है थोड़ा बहुत, मैं भी संसद की जानकारी रखता हूँ, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन शुरू में उस समय नहीं बोला उन्होंने, उस समय उन्होंने 84 के दंगों का टुकड़ा रोया, सच्चाई थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या का दुख रोया, उन्होंने जो महिलाओं का बलात्कार हुआ, यौन शोषण हुआ, उस पर रोया, कहा बहुत मजबूती से कहा, उन्होंने कहा कि मणिपुर कांग्रेस की समय की देन है जो हो रहा है, वो सब कुछ किया, लेकिन जो भी हुआ है अब जिस तरह से हुआ, ये देखो जांच समिति कर रही है, हमारे पास आपके पास वीडियो नहीं है, आपके पास है वीडियो दिखाइए, फ्लाइंग किसकी नहीं है आपके पास, वो तो वही दिखाएंगे, वही चलाएंगे, उसके आधार पे पता चलेगा वीडियो के बाद क्या सच है, क्या झूठ है, क्या साजिश है, क्या मनन ग्रंथ है, क्या दिल से कहा है, क्या दिल से। अब देखो तुम्हें बताऊं, मैंने केस लड़ा था बहुत 97-98 में आईटीसी का, तो मैं तो कैसे जीत लिया भाई, लड़की ने कहा इसने मुझे आंख मारी, रिपोर्ट लिख गई, आ गई, केस बन गया, चार्जशीट बन गया, ट्रायल पहुंच गया, वो बड़ा व्यक्ति था जिसके खिलाफ हुई और साजिश थी, राजनीति थी उसने, तो मैंने कोर्ट में यही पूछा कि आपकी इन दोनों आंखों में से कौन सी आंख मारी। अच्छा। हाँ। तो उसने कहा लड़के आदमी ने कौन सी आंख मारी, तो उसने बता दिया ये वाली, राइट। तो मैंने कहा फिर तो जज साहब कोई बात बनी नहीं, कि क्यों, मैंने कहा दिल तो लेफ्ट में होता है भाई, दिल की बात होती तो लेफ्ट वाली आंख चलती तो माना जाता दिल वाला, जज साहब भी दिलदार थे, कही हाँ ये तो बात सही है, ऐसे कैसे कह दोगे, राइट आंख मारी, इधर तो दिल है ही नहीं, दिल तो इधर है, तो लेफ्ट आंख मारने पे उन्होंने बरी कर दिया उसको, ये नहीं लेफ्ट आंख मार के रिकॉर्ड पे लो, लेफ्ट आंख मारी और इस पर नहीं कुछ, कोई इसमें कुछ नहीं, दिल से कुछ नहीं किया उसने, दिल उसका साफ था, दिल तो बच्चा है। तो क्या आप स्मृति ईरानी से पूछ रहे हैं कौन सी आंख मारी? तो बाबा आंख की तो बातें ही कहाँ यहाँ है, यहाँ तो आंख की बातें मैंने एक उदाहरण दिया, यहाँ तो फ्लाइंग किसकी आप कर रहे हैं वो तो देखने में पता चलेगा, वीडियो क्या है, संसद भवन की कार्रवाई क्या है, एप्लीकेशन क्या है, किसमें जो है केस लग सकता है, केस लगवा दो, फिर से राहुल को बंद करा दो, फिर से सदस्यता ले लो, आप यही करते हैं, पत्रकारों का यही काम है, कौन कौन से कोई केस नहीं बनता प्यार में, प्यार का काय का केस है उनका कोई, अगर एक बात बताओ, चलो आपने कह दिया, आप यहाँ इतने ज्यादा, आप लोग इतने रिपोर्टर खड़े हो, इतने खड़े हो सकता है आपके दिल में लव इज नॉट लाइक ए स्टैग्नेंट वाटर, प्यार जो है तालाब के भरे हुए पानी की तरह कभी घटता है कभी बढ़ता है, एक सा प्यार नहीं रहता, कब किसके पास कितना ज्यादा प्यार हो जाए, कब किस पर कितना प्यार उमड़ पड़े, कब किस पत्रकार पे हमारा प्यार उमड़ पड़े, कब किस बात पे नाराजगी हो जाए, कब किस बात पर गुस्सा हो जाए, कब औरंगजेब से नाराज हो जाऊं, कब गौरव राजेंद्र से नाराज हो जाऊं, कब किससे नाराज हो जाऊं, ये तो डिपेंड करता है, कब ANI पे नाराज हो जाऊं, कब PTI पे नाराज हो जाऊं, कब TV9 भारतवर्ष या किसी भी कुछ हो जाए, इससे नहीं हो तो अलग चीज़। प्रोविजन और एथिक्स का मामला इसमें हो सकता है, वो देखेंगे पढ़ेंगे जब आएगा बात देखेंगे, अब राहुल देखेंगे, राहुल भी बताएंगे अपनी बात बताएंगे, क्या किया क्या नहीं किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन था, पता नहीं कोई और बैठा हो, कोई और जिसके लिए किया हो, जो अब ताली बजाते हैं किसके लिए ताली बजाते हैं, हाय हाय करते हैं तो किस लिए के लिए करते हैं, सब अपनी पार्टी के लिए करते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा, व्हिप जारी इसीलिए की जाती है कि उनकी पार्टी के सब लोग वहाँ पहुँचें सब। चलिए।